हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डेयर टू ड्रीम। इस वीडियो में मैं वही पिछले वीडियो को कंटिन्यू करूंगी जिसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी 2022 वाले पेपर में एलिमिनेशन ट्रिक्स वर्क की या नहीं, मेरी व्यूज़ क्या हैं और जो मार्केट में जो न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं कि नहीं, इस बार तो यूपीएससी ने सब कुछ हटा ही दिया, ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैंने कैसे अप्रोच किया वो सब भी बताऊँगी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के वजह से, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ जो कमेंट्स में जो शो किया वो था होम टीवी। तो थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। एंड अगर मेरी बनाई हुई वीडियो से एक किसी एक को भी थोड़ी भी हेल्प होती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू ऑल। और अगर जो नए हैं और जो देख रहे हैं, अगर उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, कुछ सच्चाई लगे इस वीडियो में, तो डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। पिछले 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस 21 को करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये वाला क्वेश्चन एक प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर करेंट अफेयर जो जिन्होंने पढ़ा है उन सबको ये सब क्वेश्चन पता होगा कि, और ये वाला क्वेश्चन मुझे भी पता था, मतलब तो मैंने इसमें एलिमिनेशन ट्रिक बिल्कुल भी नहीं लगाया, डायरेक्ट पता था तो डायरेक्ट हिट था ये। अब आप जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ पे क्या कर सकते थे, तो उनको थोड़ी सोचने की ज़रूरत थी कि आपने स्टबल बर्निंग के बारे में तो सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। जब भी राबी सीजन आता है तो पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स लेके आती है, या फिर उस टाइम ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि हाँ उससे कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है। तो वो क्या है, आखिर पराली जो जलाते हैं वो एक्चुअली राइस की होती है, बट यहाँ हाँ ये बात भी सही है कि यहाँ राइस और वीट में कन्फ्यूजन हो सकता था। तो खैर जी ने पता है कि अगर ये तो खरीफ सीज़न का होगा ना कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जलाते हैं, तो राइस होगा और वीट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हिट था मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को इसमें लगाना था एलिमिनेशन ट्रिक जैसा तो 50-50 चांसेस थे, दैट वाज आई कैन सी। और हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप पूछ सकते हो ना कि इसके बारे में मुझे कैसे पता था, तो वेट, हाँ तो मैंने नोट्स बना के रखे था कि इसमें, मतलब मैंने नोट्स पढ़ा था इसीलिए पता था कि जो भी हमारे एमिशन्स होते हैं ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स, तो उसमें थर्ड रैंक पे एग्रीकल्चर आता है, फर्स्ट पे एनर्जी, सेकंड पे इंडस्ट्री एंड थर्ड पे एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी लाइफ स्टॉक ज़्यादा है और क्रॉप प्रोडक्शन से 42% एमिशन होता है, और क्रॉप प्रोडक्शन का जो जिसमें जिस क्रॉप का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो राइस रहता है 52%। तो यहाँ से मैंने वो सॉल्व किया था। होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 22, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन। इस ये पढ़ के मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके बारे में कोई इतना डिटेल में पढ़ता नहीं है। ठीक है, इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड्स इज प्रैक्टाइज इज रिजल्ट इन, ये वाला। और आप एक एडवाइस मैं दूंगी कि आप हमेशा याद रखना, जो भी ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन रहता है ना, ऑप्शन नहीं, उसके स्टेटमेंट्स या ऑप्शन नहीं, जो मेन क्वेश्चन ये वाला पार्ट, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको, पढ़ना चाहिए मतलब, और वो प्योरली सही रहता है, वो मतलब परफेक्टली सही है, तो उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टाइज। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन इंटेंस हो, और ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सीजन मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, सस्टेनेबल टाइप जैसे, ठीक है, क्योंकि ऑल द टाइम वेटिंग होगा तो नहीं होगा, और ऑल द टाइम ड्राइंग भी होगा तो फिर तो खैर धान राइस होगा ही नहीं, पैडी होता ही नहीं है, तो ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपको स्टेटमेंट्स पढ़ो आप, रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट पॉसिबल है, रिड्यूस्ड मिथेन प्रोडक्शन पॉसिबल है, फिर थर्ड नंबर पॉइंट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आ गया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिड्यूस होगा या नहीं, क्योंकि वेटिंग ड्राइंग में थोड़ा सा तो कुछ तो मशीन्स यूज़ होते होंगे ना, तो ये रिड्यूस होगा या नहीं, इसलिए मैं 1 इन 2 और 1, 2, 3 में कन्फ्यूज थी। एट लास्ट मैंने 1, 2 मार्क किया, बट ये वाला थोड़ा गलत, एक्चुअली ये भी उन क्वेश्चन में से है जो अभी कन्फ्यूजन में है, पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं आया है, बट मुझे मैंने इसको रॉन्ग में ही काउंट किया इस क्वेश्चन को। अच्छा, वन अगर आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल नोटिस कि राइस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मीथेन प्रोडक्शन मतलब राइस, चलो ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया है मीथेन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम की बात हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, राइस और मीथेन रिलेटेड है, और अब आपको इसको कैसे देखना है, यहाँ पे देखो मीथेन और राइस रिलेटेड मिला,
सी नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पढ़ के भी इसको आंसर किया जा सकता था, ये मुझे एग्ज़ाम में ही पता चला कि वाह अगर मुझे ये एक्चुअली आंसर नहीं पता होता फर्स्ट वाले का, 21st वाले का, तो मैं ये पढ़ने के बाद उसको आंसर कर सकती थी, इतना तो था। तो खैर आप समझ रहे हो कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मतलब किस तरीके से अपने माइंड को डेवलप करना है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये सब प्रैक्टिस के दौरान ही आपको अपने में चेंजेस लाने हैं ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठो आप परफेक्टली उसको अटैम्प्ट कर पाओ। फिर 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राइड एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो ये आंसर मुझे उस टाइम नहीं पता था, लेक फेगुइबिन जो कि 1970s के टाइम में मतलब ड्राइड अप हो गया था, ठीक है खैर अलग बात है। फिर यहाँ पे 24 नंबर, गंडीकोटा कैनिया ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसमें मुझे दो था, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया पर दो में कन्फ्यूजन था, पिनार और तुंगभद्रा, एंड एट लास्ट मैंने तुंगभद्रा पे मार्क किया जो कि गलत था। सो इसके बारे में तो बात करके फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा 50-50 आपको पूरा सॉलिड पता है तो ही अटैम्प्ट कीजिए, नहीं पता है तो नहीं कीजिए। और यहाँ पे मेरी गलती हुई थी कि मुझे सॉलिडली नहीं पता था, हाँ बस इंट्यूशन आ रहा था कि ये दोनों में से ही होगा पक्का पक्का ऐसा बात, और मैंने इसे ही अटैम्प्ट किया, तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेव, इसमें देखिए बहुत सारे माउंटेन पीक्स दिए हुए हैं, पीक्स दिए हुए हैं और माउंटेन्स उसके सराउंडिंग में दिए हैं, इन पेयर में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। नामचा बरुआ ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे वन गलत, जब वन गलत हो जाता है इतना तो पता है कि ये तो बेसिक है ना, बेसिक ज्योग्राफी में कोई भी पढ़ता है इसको, ठीक है। तो ये वाला से अगर वन गलत होता है तो ये वाला ऑप्शन चला गया, थ्री सी ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद टू पे आते हैं नंदा देवी, अब ये कुमाऊँ में है या गढ़वाल में है ये किसी को नहीं पता, किसी को कन्फ्यूजन हो सकता था, पर एक बार के लिए फिर भी इसको छोड़ते हैं, टू को रखते हैं। थ्री में देखिए नौकरेक सिक्किम हिमालय, ये तो गलत है कि मेघालय में है नौकरेक, तो ये हो गया। तो चलो ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो 2-3 बच गया ऑप्शन, 50-50 पे आ गए आप, और 50 के बाद तो आप देख लो आप क्या गैस करते हो, बट ये वाला क्वेश्चन मुझे शॉर्ट पता था कि क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि आई बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नेक्स्ट कम टू 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वर्ड ही मैंने पहली बार एग्जाम पेपर में सुना था, इसके पहले तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, तो उसकी मीनिंग पता करना तो बहुत अलग सी बात हो गई। तो जब वर्ड ही नहीं पता तो मीनिंग क्या ही पता होगी, फिर भी एग्ज़ाम हॉल था, सारे क्वेश्चन पढ़ने तो थे ही अच्छे से, तो मैंने हर ऑप्शंस वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, और इस जो चीज़ें मेरी आंखों में कैच हो गई थी वो ये थी कि मेडिटेरेनियन सी शोर्स और मेडिटेरेनियन सी, यहाँ दोनों में वो सिमिलर था, ठीक है, और यहाँ तो कर देती हूँ, हाँ सिमिलर ये था दोनों। तो फर्स्ट राउंड में तो मैंने इतना पे करके छोड़ दिया था इसको, पर जब सेकेंड राउंड में जब मैं इसे पढ़ने आई तो मैंने देखा कि क्या हो सकता है इसका, एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, आई एम सो सॉरी, या फिर सिर्फ एक ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे एक होता है ना ईस्टर्न रीजन एक स्पेसिफिक बोल रहा है, और यहाँ पे इंटायर कोस्टल रीजन इंटायरिटी के लिए बोल रहा है। सी आई एम अ PSIR स्टूडेंट, तो अगर मेडिटेरेनियन सी के हर डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग या फिर अफ्रीकन वाले पार्ट सारे के लिए अगर बोला जाता तो कहीं ना कहीं मैंने इसे पढ़ा होता, क्योंकि अक्सर ये सब जो क्या बोलते हैं इसको ना, ये सब जो इश्यूज है ना अक्सर हमें पढ़ने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, बट मैंने नहीं पढ़ा, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका है कुछ तो स्पेसिफिक टाइप होगा, ऐसा मैंने एग्ज़ाम हॉल में सोचा, पता नहीं ये कितना सच था कितना नहीं, बट हाँ मैंने एट लास्ट एक ऑप्शन को मार्क किया एंड लकीली ये सही निकल गया, तो लक यहाँ पे फेवर किया मुझे। अगेन 27 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स को आपको बताना था कि कौन कौन से बॉर्डर्स आते हैं, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं और एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो पिछले दो सालों से काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और जैसा कि एक रिचुअल है बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट है, जो भी रीजन न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा और काफ़ी टाइम से है, उसके सराउंडिंग्स जानना, उसके फिज़िकल पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिज़िकल ज्योग्राफिकल फीचर्स जानना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो इसके लिए मैंने स्पेशली मतलब टेलीग्राम पे या कहीं से पढ़ा था, बताती हूँ पुट्टी III, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान के नेबर्स ने आंखों पे पुट्टी बांध रखी है तभी तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती अफ़गानिस्तान में। तो P4 पाकिस्तान,
यू फॉर उज्बेकिस्तान, टी फॉर तजिकिस्तान, अगेन टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान एंड अगेन आई फॉर इंडिया। ये था मेरा ब्रॉडर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निमोनिक्स याद करने के लिए कि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स किन किन से लगते हैं। तो सी, जब आप मेरे एग्ज़ाम हॉल में, मुझे डायरेक्ट पुट्टी याद आ गया कि पुट्टी था, हाँ, तो उसमें ए और के तो फिट ही नहीं हो रहा, अजरबैजान और किर्गिस्तान नहीं फिट हो रहा ना, तो मैंने 3, 4, 5 किया एंड ये शॉर्ट शॉर्ट था मेरे लिए। ठीक है, आपको भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, इट विल हेल्प्स अ लॉट एंड इट हेल्प्स, मेरे को हेल्प किया है इसने। और अगर आप बोलोगे तो मेरे पास काफ़ी सारे लंबी लिस्ट है निमोनिक्स की, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी विद ब्रॉडर सब्जेक्ट्स, मीन्स ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटिकल के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस आई मीन पॉलिटी के भी हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के भी हैं और मैपिंग से रिलेटेड तो काफ़ी सारे हैं। सो अब देखिए ना आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको एलिमिनेशन लगाने का मौका मिल जाता है। सी, जिस क्वेश्चन में चार ही ऑप्शन हो और वो ऑप्शन ही एक्चुअल ऑप्शन हो, मतलब चार ही स्टेटमेंट हो और वही ऑप्शन हो, तो उसमें आप थोड़े से नर्वस हो सकते हो, इधर उधर एलिमिनेट करके क्या तुक्केबाजी करना हो जाता है, या तो इधर हो आप या उधर हो। लेकिन इन सब स्टेटमेंट बेस्ड वाले में कुछ ना कुछ तो ऐसा UPSC दे ही डाल ही देती है जो कि एट लास्ट आपको हेल्प करती है इन रीचिंग टू द राइट ऑप्शन। जैसे इसमें भी था, मोनेसाइट के बारे में पढ़ा था बट इतना डिटेल्स में याद नहीं रहता। मोनेसाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, ओके, आई एम ओके विद इट। कोई स्टेटमेंट में एक्सट्रीमिटी नहीं था तो आई एम ओके। मोनेसाइट कंटेंस थोरियम, ओके। फिर मोनेसाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनेसाइट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड के बाद ही स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर बी पे श्योर हो गई थी कि यही होगा, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम इसको मार्क नहीं किया था, मैं सेकंड रीड के लिए छोड़ी थी इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो, मोनेसाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। आपको भी पता है यूरेनियम एंड थोरियम आर क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए ये नेचुरली हर कोस्टल एरिया में नहीं मिलते हैं, ये मेरा दिमाग वहाँ पे काम की मतलब लगा। और उसके बाद आप में से बहुत को ये भी बोल सकते हैं कि ओनली है तो स्टेटमेंट नंबर 4 गलत होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ कैन ओनली प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनेसाइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ी है, मोनेसाइट कंटेन्स थोरियम, थोरियम यूरेनियम एक अलग टाइप के एलिमेंट्स है ना, तो इन क्योंकि ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, इनसे न्यूक्लियर बॉम्ब पावर, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होते हैं ये, हाँ, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शंस हैं कि सबको यूज़ नहीं कर सकता, प्राइवेटाइज नहीं है ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं पता था मुझे, तो फिर दिस हेल्प्स अलॉट, अगेन हेल्प्स। फिर ये वाला क्वेश्चन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द ओवियस था सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जो समर सॉल्स्टिस में आपके बारे में हम तो ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, ये वाला काफ़ी नॉर्मल सा था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अब नंबर 30 में पढ़ते हैं हम कि कुछ वेटलैंड्स एंड लेक्स दिए हुए हैं और उनके लोकेशन बताए हुए हैं। तो इसका था, ये भी मुझे नॉलेज से पता था एग्ज़ाम हॉल में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, तो मुझे अच्छा ये दोनों तो मतलब मैं मुझे पूरा पता था कि ये सही ही है। ओकेरा वेटलैंड के बारे में आइडिया नहीं था, और शस्तम कोटा कि मुझे ये पता था कि तमिलनाडु तो नहीं होगा, 4 पता था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मैं 50-50 में आई थी बी और सी, बट हाँ मैंने उन पे ट्रस्ट किया अपने जो भी नॉलेज पे, और मैंने इसको बी मार्क किया था जो कि सही निकला। तो अभी अगर मैं आंसर बताने जाऊँ आपको, तो वेटलैंड ये वाला होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में आता है JNK, और शस्तम कोटा केरला में आता है, ठीक है, बस। यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, कंसिडर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या, इसके पहले जो भी स्टेटमेंट्स थी उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरोग्य सेतु, कोविन और दीक्षा के बारे में मैं श्योर थी कि हाँ ये तो सही है, अगर 1, 2, 4 ऑप्शन में रहता ना तो मैं वही मार्क करती, फिर वो भी गलत हो जाता लेकिन फिर भी मैं वही मार्क करती। मुझे डिजी लॉकर पे थोड़ा डाउट था, और शायद मेरी इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन की थी ना वही गलत हो गई, कि मैंने क्या सोचा कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मतलब सबके लिए अवेलेबल होना, बट डिजी लॉकर में क्या होता है कि आप लॉक करके रखते हो ना अपनी चीज़ें। सी, कितना नैरो इंटरप्रिटेशन था,
कि मैंने वही सोचा कि जब लॉक ही रहेगा तो उसको सिर्फ आप ही कर पाओगे ना, और कोई तो नहीं देख पाएगा। लेकिन वैसे ही तो फिर मुझे उस टाइम दिमाग मेरा चला नहीं, बट ऐसा लगाना चाहिए था कि यार आरोग्य सेतु है हुआ या कोविन के भी जो भी डेटाज हैं वो भी तो हमारे जो पर्सनल डेटाज है वो भी तो हम सिर्फ हम ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई तो नहीं। तो इसका ऑल ऑफ ऑप्शन था राइट, बट मैंने तो अलग ही कुछ खिचड़ी पका दी और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, होता है, एक आध क्वेश्चन जब तक गलत नहीं होगा तो क्या ही UPSC दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं 32। विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो था ठीक है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। दे कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। फिर आया ऑपरेटेड बाई यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉरपोरेशन। 1 एंड 2 में आई एम वॉज सो श्योर कि ये तो सही है, पर 3 वाले में मुझे लगा कि कलेक्टिवली रेदर देन कॉरपोरेशन, तो इसमें थोड़ा डाउट था। लेकिन एट लास्ट जो सेकेंड रीडिंग में जो मैंने मार्क किया तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, तो ऑल अबव मार्क कर दिया। सी यहाँ पे मैंने वो दिमाग लगाया कि हाँ साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो ऑल इज़ गुड, बट सेम चीज़ यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल था। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, ऑल मैं कर देती तो मुझे क्वेश्चन मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो आप लोग, अब यहाँ पे ये वाला पढ़ोगे ना तो फिर ये तो पढ़ ये क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ही गुस्सा आने लगता है, बट कंट्रोल। क्वेश्चन पढ़ना, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। SaaS बायर्स कैन कस्टम यूजर्स इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फाइल्स। SaaS पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट मुझे तो मेरी सास की याद आ जाती है जो कि अभी है भी नहीं। SaaS यूजर्स कैन एसेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। आउटलुक, होटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ SaaS। तो देख लो, मतलब इसमें मुझे लगा पहले वाले क्वेश्चन में मैं डाउटफुल थी कि SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर्स इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। ये वाला थोड़ा डेटा फील्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गई, जो कि इसलिए मैंने मुझे B 2 3 या फिर D, मतलब D इसलिए था कि साइंस वाला है तो शायद सारा सही हो। काश मैं ये वाला दिमाग लगाती वहाँ पे, या फिर टेक्निक जो था वो लगाती, यूज़ करती ट्रिक्स तो हो जाता, बट हाँ एट लास्ट मैंने 2 एंड 3 मार्क कर दिया और ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, पर एक्चुअली मैंने ये अटेम्प्ट किया था, और इसके बारे में भी ट्रस्ट में कुछ आइडिया नहीं था मुझे एग्ज़ाम के पहले। ये पेपर पढ़ने क्वेश्चन पढ़ने के पहले तक मैंने ये वर्ड और ये पूरा मतलब मिशन जो भी बोल सकते हैं इसके बारे में सुना भी नहीं था, सिस्टम के बारे में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है? ए ऑप्शन, अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इन टू अ स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कुछ आइडिया समझ में नहीं आया। अ स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लेनेट मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। ओके, सी अ मिसाइल इज पुट इन टू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। डी अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलॉन्ग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट्स सर्फेस। सी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन उन टाइप के क्वेश्चंस में आता है जिसको छोड़ देना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए, बट स्टिल ऐसा कि UPSC में अगर हम छोड़ने लगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा छोड़ने को, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, दैट्स UPSC, वी मस्ट टेक रिस्क। हाँ, तो इसके लिए मैंने रिस्क लिया था, कैसे इतना तो पता था कि मुझे ऐसा लगा था कि ट्रिक करने की कोशिश करेगी UPSC ये वाले वर्ड से, बॉम्बार्डमेंट, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, उसके बाद इधर था कॉमेट, मतलब इस टाइप से हाइपरसोनिक मिसाइल, यहाँ तो गलत हो गया। तो मुझे भी पहले यही लगा था कि बॉम्बार्डमेंट मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मैं ऑप्शन पढ़ती गई, सी यहाँ पे ना फिर जैसे वो मेडिटेरेनियन सी में जो वर्ड किया था वो मेरा यहाँ पे भी आई में कैच किया, वो ये वर्ड्स थे, ऑर्बिटल मोशन और ये ऑर्बिट, दो में सेम चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिखी, तो इसलिए मैं श्योर हो गई कि बी या सी में से कुछ है, और एट लास्ट मैंने अपने गट्स पे गट फीलिंग के साथ गई कि सी को मार्क किया और ये वाला सही हो गया। बट अगर आपको रिस्क लेना है या फिर ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपके 85 प्लस हो चुके हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब ये वाले आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्सट इज इन विच द टर्म क्यूबिट इज मैंशनड। ये भी पता था मुझे, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में होता है, 2020 में ही न्यूज़ में था, तो ठीक है थोड़ा सा। तो 36 सी, यहाँ पे एलिमिनेशन कौन बोलता है कि एलिमिनेशन टेक्निक ही खत्म हो गया, यहाँ पे देखिए कैसे होता है। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। विच वन
ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज. शॉर्ट रेंज, ठीक है, फोकस करना. नंबर 3 से पढ़ते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया शॉर्ट रेंज हुई तो ये सही हो गया. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी कितनी दूर तक जाएगी, ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएगी, तो ये शॉर्ट रेंज ही होगा उनका भी, तो ये भी हो गया. यहाँ पे आप, पहले तो मुझे लगा कि ये टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न तो बहुत दूर दूर के होते हैं ना, ये हो सकता था 2-3 मार्क कर सकती थी, बट एट लास्ट मैंने पढ़ा क्लोज सर्किट ऑफ टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट. तो क्लोज सर्किट जब रहेगा किसी भी चीज़ की, कोई भी सर्किट जब क्लोज रहेगा तो ऑब्वियसली उसका रेंज भी कम होगा. ये थिंकिंग के साथ मैंने ऑल ऑफ द अबव किया जो कि सही निकला. और ये SNT का क्वेश्चन था, तो आप लोग ऑल ऑफ द अबव भी कर सकते थे. क्या हो गया आज मुझे. खैर आगे चलते हैं. ये वाला फिर ऑल वाले ऑप्शन वाला, इसमें भी वर्क करता है. बायोफिल्म्स के बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं था. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू. ठीक है, रखते हैं पर्ट्स को. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस, कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. कैन आया तो मेरा मन में आया कि चलो इसको ऑल कर ही देते, तो 1, 2 and 3 कर दिया मैंने एक ही रीडिंग में. ये फर्स्ट रीडिंग में ही हो गया था, इसके लिए मुझे सेकेंड रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये था सही निकला. अगेन इसमें आते हैं, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. ओके, आपने याकूट देखा होगा ना, याकूट का एड, वो प्रोबायोटिक्स ही है जिसमें बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों ही होते हैं. ये एड देखने से मुझे समझ में आया था. तो द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट, बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आर गट. प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स. 3 और 1 के बारे में तो मैं पूरा श्योर थी, एक्चुअली 1 के बारे में तो मैं काफ़ी श्योर थी कि 1 तो होना ही है. 2 नहीं था, डाउट था, क्योंकि दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आर गट. ऐसा नहीं होता, बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, तभी तो बच्चे जो होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर पाते हैं मिल्क, मतलब डाइजेशन उनकी रहती है इस वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों क्या ही खाते हैं, वो तो दूध ही पीते हैं सिर्फ, या फिर सेरेलेक वगैरह खाते हैं, तो वो डाइजेशन कहाँ से आता है जब नेचुरली होगा ही नहीं. तो उनको प्रोबायोटिक्स हम और कहीं से तो नहीं देते. तो ये वाला था मन में, दिमाग में, तो ये था. फर्स्ट वाले में मैं 3 या फिर 1 में श्योर थी कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ये पता था. तो ये आखिर लास्ट में जब मैं सेकेंड रीडिंग में आई तो 1 and 3 को मार्क किया. अगेन दिस क्वेश्चन, ये तो मैंने आता हुआ क्वेश्चन को गलत किया, ये वाला था कन्फ्यूजन में, मतलब कि ये जो कोविशील्ड थी वो mRNA प्लेटफॉर्म से बनी थी या फिर वेक्टर बेस्ड, ये मुझे डाउट था. और सी क्या हुआ, ये गलत हो गया, और इसका आंसर होगा 2 and 3. मतलब मैंने जो 50-50 भी निकाला था ना वो भी गलत ही होता, अगर मैं सी या डी में से कुछ भी ऑप्ट करती, गलत ही था, ऑप्शन ही बी था. ठीक है, तो हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन. आपको देखिए, ये आपको ये समझ जाना होगा ना कि आप कुछ भी अटेम्प्ट करो आप 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते. और प्रीलिम्स इज नॉट द गेम ऑफ स्कोरिंग 150+, इट्स जस्ट क्वालिफाई करो आप इसको कि आगे प्री निकले और ख़त्म. मेन्स इज द मेन गेम, दैट्स वाई द नेम इज मेन्स, क्योंकि वही मेन गेम है. इंटरव्यू भी है बट प्रीलिम्स उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए उसमें, इसके लिए इतना क्रेज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही, अभी काफ़ी टाइम हो गया, अब ये वाला देखते हैं. If a major solar storm, solar flare reaches the earth, which of the following are possible effects on the earth? Number 1, GPS and navigation system could fail. Obviously, ये हो सकता है, possible है. Again, then, tsunami could occur at equatorial region. Equatorial region में tsunami. ठीक है, हो सकता है, चलते हैं आगे. Power grids could be damaged. Okay, ठीक है. Intense auroras could occur over much of the earth. Intense auroras. Auroras के बारे में हम polar vortex के times ऐसे पढ़ते हैं, north and south में होता है, north pole और south pole में. तो intense auroras क्या पता हो, चलो ठीक है, होता है. फिर statement number 5, forest fires could take a place over much of the planet. ये थोड़ा extreme हो गया, much of the planet. एक बार के लिए actually इसको cut नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखते, ठीक है. orbit of the satellite could be disturbed. हाँ, हो जाएंगे, radiation ज़्यादा आएगी तो disturb हो सकते हैं, क्या पता. अगेन, सो शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड. हाँ, हो सकता है, जनरल सा स्टेटमेंट है तो सही है. तो इतना सारा स्टेटमेंट, सबसे पहले तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देख के मैं डर गई थी, मतलब
थोड़ा डर लग गया था। और आजकल ऐसा हो गया ना कि डर से पहले हंसी आती कि ये क्या है ऐसा। तो मतलब इतना लंबा पूरा 50% ऑफ द पेज तो इसी ने ले लिया सी। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करना पड़ा कि पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। उसके बाद इतने जो हम लोगों ने 7 स्टेटमेंट्स पढ़े, सब में डाउट नहीं, किसी में भी ज़्यादा डाउट नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट 5th वाले में डाउट हुआ कि ये तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आग लग जाए, है कि नहीं। सुनामी आ सकती है, या सुनामी नहीं, इसको भी एक बार हटाओ, चलो ठीक है, पर सुनामी भी आ सकती है। GPS नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है, पावर ऑरोरास हो सकते हैं, सैटेलाइट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है, बट फॉरेस्ट फायर ये तो अलग चीज़ हो गई ना। तो इसको मैंने मतलब मैं जो एग्ज़ाम हॉल में मैंने सोचा वो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं फॉरेस्ट फायर्स तो नहीं होगा, तो मैंने पहले 5th स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना शुरू किया। सी इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक ही एक 3 स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी बचा जिसमें 5 नहीं है। और इसके साथ ध्यान देने वाली बात है कि स्टेटमेंट 2 भी नहीं है सी में। 2 वर्ड्स फॉर सुनामीज कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन। तो सुनामी, फॉरेस्ट फायर्स, जो भी क्या नाम है नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो होंगे या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इससे ये पता चल रहा है। सी नेविगेशन काम नहीं कर रहा, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। पावर ग्रिड्स फेल हो रही है, वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ऑरोरास जो हो गए, सैटेलाइट्स डिस्टर्ब हो गई, एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब, ये नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स बोल के नहीं है, या फिर डिजास्टरस भी नहीं है ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में। पर ये फॉरेस्ट फायर, सुनामी, ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल था, और वो एक ही स्टेटमेंट में सी एलिमिनेट भी हो गया। तो ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे सॉल्व किया और दिस वाज करेक्ट विद मी दैट टाइम, और ये वर्क भी किया। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में 41 से शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। बट हाँ, आपको अगर अच्छा लगा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लेट्स मीट अगेन, बाय बाय।